अस्सलाम स्टूडेंट्स, शुमाइला बच्चे आपको समझ आ गई है कि प्रैक्टिकल नोटबुक आपने कैसे बनानी है? और आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट ये बताया गया कि एनिमल्स को कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए, जब उनकी ब्रीडिंग परफॉर्म करनी है या उनको कैप्टिविटी में रखना है, उसको रखने के लिए भी सबसे पहले आपको अलाउड किया जाता है, परमिशन ली जाती है गवर्नमेंट से, उसके बाद फिर आप उसकी जो है वो कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं, या आपको जो रिक्वायरमेंट करनी होती है तब आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, विदाउट आप गवर्नमेंट परमिशन के अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। आपको जो लॉज होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, आपने लीगल वर्क करना होता है, आप इलीगली जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। चले ठीक हो गया। वो एक्चुअली लास्ट जो आप लोगों की क्लास हो रही थी तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, बट आप लोगों में से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आई थिंक शायद नेटवर्क का कोई इशू था, तो जिसकी वजह से लोडिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी। हमारे पास जो टोटल नंबरिंग है वो हमारे पास 14 है ज़ू की, ठीक है, और इसमें से जो हमारे पास 10 जो है जो कि गवर्नमेंट है, और उसके अलावा 4 जो है वो आपके पास प्राइवेट है। ज़ू को आप प्राइवेटली जो है वो ऑनरशिप के तौर पे बना सकते हैं, लेकिन नेशनली पार्क्स को जो है वो आप ऑनरशिप के तौर पे प्राइवेटली जो है वो नहीं बना सकते, ठीक है। जिसमें आपके पास बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं, बाकी के स्टूडेंट्स को कहेंगे बच्चे वो भी क्लास ज्वाइन करें, ताकि और आप लोगों का एक बात ये सुन लें, ये आप लोगों की जो नेशनल पार्क्स हैं और नेशनल जूज हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं, आप लोगों को ये पता होने चाहिए। आप लोगों का जो प्रैक्टिकली पोर्शन है, जो आप लोगों के 20 मार्क्स का पेपर होगा, वो आप लोगों का इन प्रैक्टिकल पोर्शन में से आएगा, ठीक है। ये आप लोगों का एक जो इन सिचुएशन और एक सिचुएशन वाला है, एक ये आप लोगों के पास बोटैनिकल गार्डन, नेशनल जू और नेशनल पार्क्स, ठीक है। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट हमारे पास 5 जो हमारे प्रैक्टिकल रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे, तो आपने सारे जो हैं आप लोगों के इसी में आएंगे, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है कि आपने अपना जो प्रैक्टिकली वर्क है, जो आप लोगों के 20 मार्क्स हैं, आपने उसको पूरा आप तभी गेन करेंगे जब आपको ये कम्प्लीटली तौर पर समझ आएंगे और आप इसको अच्छे से समझ के कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है भावलपुर ज़ू है, और जो कि हमारे पास भावलपुर एरिया में है। इसके अलावा जंगल किंगडम के नाम से ज़ू है जो कि रावलपिंडी में है, और अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट, अकॉर्डिंग टू सिटीज़ ही हमारे पास जो है ये ज़ू के नेम लिखे गए हैं, जिसमें हमारे पास हैदराबाद ज़ू है, उसके अलावा लाहौर में जो पाया जाने वाला है, कराची है, इस्लामाबाद है, और ये जो कराची में ज़ू डेवलप किया गया है वो हमारे पास न्यूली डेवलप किया गया है। बाकी जो हमारे पास ज़ू हैं वो हमारे पास जो पास्ट टाइम था तब डिवेलप किए गए थे, ठीक है। इसमें एक हमारे पास जो है वो लांडी कोरंगी ज़ू है, इसके अलावा कराची सफारी पार्क है, जो कि हमारे पास हमने ये देखा था कि वो हमारे पास जो दूसरा पार्क था उसके साथ ये जो इंटरलिंक कर रहा है। इसके अलावा कराची में जब हम देखते हैं कि हमारे पास क्लिफ्टन जो है वो एक्वेरियम के नाम से मौजूद है, हमारे पास जो आइलैंड है मनोड़ा वो जस्ट कराची में, इसके अलावा हमारे पास एक ही आइलैंड है और वो कराची में, इसके अलावा अदर हमारे पास जो प्रोवेंसेज या सिटीज हैं उनमें हमारे पास आइलैंड मौजूद नहीं होता। आइलैंड वो है जिसके चारों तरफ पानी हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है जेलो पार्क जो कि लाहौर में, इसके अलावा मरी वाइल्ड लाइफ पार्क मौजूद है जो कि मरी में है, इसके अलावा लोई बेर वाइल्ड लाइफ पार्क है जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों तक फैला हुआ है। नेक्स्ट ये यहाँ पे हमारे पास भावलपुर ज़ू दिखाया गया, जिसमें वहाँ पे हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं और उनको जो है वो कैप्टिविटी में रखा गया है, और कैप्टिविटी में रखने के साथ साथ जो ब्रीडिंग है वो मोस्टली तौर पर हमने ये भी देखना होती है कि हमने इसमें ब्रीडिंग जो है वो किस तरह से परफॉर्म की जाए और इससे हमने कितनी स्पीशीज बनानी है, ताकि ये जो हमारे पास स्पीशीज की नंबरिंग है वो कम ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट ये हमारे पास जो है ये भावलपुर जो ज़ू है जो कि 1942 में बिफोर इंडिपेंडेंस जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, और इसको जो है वो जूलॉजिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। ये गवर्नमेंट के अंडर जो है ये मैनेज किया जा रहा है, और 1942 में ये जो ओपन किया गया था, और इसमें हम ये देखते हैं कि 20 एकड़ तक जो है ये इसका एरिया है, और इसमें राउंड अबाउट जो है वो 870 हमारे पास जो है वो एनिमल्स की नंबरिंग है, और 600 जो है वो हमारे पास बर्ड्स की नंबरिंग है। इसके अलावा मैमल्स की हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 180 है।
ठीक है। इसके अलावा ये भावलपुर जो नेशनल पार्क है हमारे पास, ये 1942 में स्टैब्लिश किया गया था, और जो भावलपुर के अमीर थे जो के नवाब सादिक अहमद खान अब्बासी, और इनके दौर में ये जो है ये सेटअप किया गया था, और इसको शेरबाग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब ये है कि लाइन गार्डन, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो जू है हमारे पास, मोस्टली तौर पे यहाँ पे ब्रीडिंग भी परफॉर्म की जाती है, ब्रीडिंग के साथ साथ यहाँ पे वाइल्ड कैट्स हैं वो भी सप्लाई की जाती हैं, एशियाटिक लाइन्स हैं और बंगाल टाइगर्स हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, उनको कैप्टिविटी में रखा जाता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू जो अदर जू हैं कंट्री के, वहाँ पे ये हमारे पास जो डाइवर्सिटी है ये प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक्वेरियम भी मौजूद है, जहाँ पे हमारे पास जो है वो एनिमल्स हैं डिफरेंट, जिसमें हमारे पास है इन्वर्टिब्रेट्स रखे जाते हैं, और इसके अलावा म्यूजियम है, म्यूजियम है जिसमें हमारे पास जो बर्ड्स हैं उनकी जो स्टफिंग बर्ड्स हैं, जिनकी बॉडी जो है वो जिनके हमारे पास बकाया जात जो है वो बच जाते हैं वो रखे जाते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं कि 1955 में जो हमारे पास डॉक्टर गुलाम हैदर सुमरा जिन्होंने के इसको ट्रांसफ़र कर दिया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और 1977 से लेके 1982 तक जो है वो हमारे पास जू जो है वो अंडर कंट्रोल रहा, हमारे पास जो पंजाब का लाइफ स्टॉक था उसके अंडर, ठीक है। पहले गवर्नमेंट के अंदर जो कि लाइफ स्टॉक में आता है, और इसके अलावा भावलपुर जू की जो कि हमारे पास फोर्थ नंबर पे है और ये बिगेस्ट जू है पाकिस्तान में, और आफ्टर लाहौर जू, कराची जू और इस्लामाबाद जू, ठीक है। ये लाहौर जू, कराची जू और इस्लामाबाद जू ये हमारे पास सबसे जो है ये लार्जेस्ट जू है, और भावलपुर जू जो है हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास पाए जाने वाली जो है वो स्पीशीज़ की नंबरिंग है, स्पीशीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं, जिसमें हमारे पास मैमल्स में है एशियाटिक लाइन है, एशियाटिक ब्लैक बियर है, बंगाल टाइगर है, ब्लैक बक है, चिंकारा है, और इसके अलावा चित्राल, ये इनकी जो साइंटिफिक नेम है ब्रैकेट्स में, और या फिर उसको जो कॉमनली जो हम डिफरेंट वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उन नामों से पुकारते हैं, हॉक बियर है, हिमालयन ब्राउन बियर है, इसके अलावा हमारे पास लियामा है, और मेफलॉन है, लेली गाय है, जाबरा है, रेड डियर है, और ये हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं। इसके अलावा एविज में हमारे पास बजरी गर्ज है जो कि आपको देखने को मिलते हैं, जो पैरट्स होते हैं स्मॉल उनका साइज होता है। इसके अलावा आपके पास जो है पैट्रिज है, पिजेंट है, इसके अलावा क्रेन है, और वाइट पेलिकन है, गूस है, और पी फ्लो है आपके पास, सॉरी पी फाउल, इसके अलावा पिजन है, एलिफेंट है आपके पास, पैराकीट है, पिजेंट है, इसके अलावा जो है वो आपके पास वाइल्ड टर्की है। रेप्टाइल में आपके पास है मुगर, क्रोकोडाइल है, इसके अलावा आपके पास ट्रोटाइजेज हैं, ठीक है। कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए कि हमारे पास कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी जो हम ब्रीडिंग करवा रहे हैं जो कि नियर अबाउट थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं, उसमें हमारे पास एशियाटिक लाइन है, ब्लैक बियर है, बंगाल टाइगर है, ब्लैक बक और हॉक बियर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो चिंकारा है, चित्राल है या नीली गाय है, इनकी जो ब्रीडिंग है वो भी हमारे पास जू में पॉसिबिलिटी है, और बेसिकली हमारे पास जो स्पीशीज जो है थ्रेटन्ड होती हैं या इंडेंजर्ड होती हैं, और उनकी जो हम कोशिश यही करते हैं कि उनको कैप्टिविटी में रखें, उनकी ब्रीडिंग करवाई जा सके ताकि जो उनकी नंबरिंग है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। और ये नंबरिंग इंक्रीज होने का मकसद बेसिकली यही होता है ताकि जितनी ज़्यादा आपके पास नंबरिंग इंक्रीज होगी और इनकी डाइवर्सिटी के डिक्रीज होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो जंगल किंगडम है जो कि रावलपिंडी में मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये 1872 में 146 ईयर एगो जो है इसको डेवलप किया गया था, और ये जो जंगल हमारे पास है मोस्टली तौर पे ये आपको अयूब नेशनल पार्क है, ये उसके राउंड अबाउट देखने को मिलता है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जब हम अयूब नेशनल पार्क की बात करते हैं तो हम उसको नेशनल पार्क में डिस्कस करते हैं, और वो हमारा स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान में, ठीक है। इसके अलावा ये 50 एकड़ एरिया पर जो है वो फैला हुआ है, और इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास जीटी रोड पे है, और ये रावलपिंडी में मौजूद है, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब प्रोवेंस और रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम ये देखें कि हमारे पास इसको जो है वो रेड ओनियन के नाम से भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने ये कहा था कि हमारे पास जो नेशनल पार्क है यूब नेशनल पार्क, जिसको हम टोपी रख के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे एक टोपी रख जो है वो एडिटोरियम है, वहाँ पे लोगों की फैसिलिटी के लिए वहाँ पे उनको बैठने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे गेस्ट रूम्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो हमने उनकी इमेजेस देखी थी वहाँ पे आपको डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिल रही थी। आपके पास वहाँ पे जो है वो इक्वेरियम भी थे, आपके पास वहाँ पे लेक्स भी थे, बोटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी,
और यहाँ पे हम मोस्टली तौर पे बर्ड्स में हमारे पास हैं कि पिजेंट है, और पिजेंट के साथ साथ जो है वो वल्चर्स हैं, पैराकिट्स हैं, ऑस्ट्रिच हैं, स्वैन हैं, और इसके अलावा पेलिकेन हैं, और इसके अलावा अदर वो बर्ड्स हैं जो कि वाटर में मौजूद हैं। ठीक है, आपके पास वहाँ पे जो लेक है, रिवर मौजूद है, ताकि वहाँ पे जो वाटर में जो रहने वाले बर्ड्स होते हैं, जस्ट वाटर पे डिपेंड करते हैं, वो आपको इजीली वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैमल्स में आपके पास बंगाल टाइगर है। अच्छा, अगर आप नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में आपको ये बंगाल टाइगर नहीं देखने को मिलेगा, आपको हॉक डेयर नहीं देखने को मिलेगा, इसके अलावा एशियाटिक ब्लैक बियर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपके पास जो है वो अदर, फॉर एग्जांपल ब्लैक बक जो कि भावलपुर में थी, इसके अलावा नीलैगी थी, और इसके अलावा जो है वो आपके पास अदर एनिमल्स थे। ठीक है, जिसमें आपके पास जो है हिमालयन आइबेक्स आ जाता है, चिनकारा आ जाता है। ठीक है, और ये आपके पास जो मैमल्स हैं जो कि आपके पास जू में पाए जाते हैं, वो आपके पास नेशनल पार्क में और जू में जो है मैमल्स हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफर हैं। अगर आप नेशनल पार्क के मैमल्स को अगर आप जू में लिखते हैं तो वो आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा, या फिर आप जो जू में पाए जाने वाले मैमल्स हैं वो उनको आप जो है वो नेशनल पार्क के मैमल्स के साथ लिखते हैं तो वो आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, इसको आपने मिक्स नहीं करना। और एम्यूजमेंट पार्क में हमारे पास जो है वो मिनी गोल्फ कोर्स आ जाता है, इसके अलावा इंडोर स्नोकर है। ठीक है, जो कि वहाँ पे इन पार्क में आपके लिए अवेलेबल होती हैं, पैडल बोर्ड्स अवेलेबल होती हैं, इसके अलावा रिमोट कंट्रोल कार्स होती हैं जो कि बोटिंग के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, इसके अलावा हंटेड जो है वो हाउसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाते हैं, राइड गिफ्ट शॉप्स वहाँ पे होती हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉजिंग कार्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जंगल जिम्स होते हैं, वीडियो गेम आर्केड होते हैं, रनिंग वाटर पूल्स होते हैं, ताकि वहाँ पे पाए जाने वाले जो बर्ड्स की डाइवर्सिटी है, जो कि वाटर बर्ड्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट पार्क्स में ये डिफरेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके पास हर तरह की फैसिलिटी होती है आपके लिए इंजॉयमेंट के लिए, जिसको आप झूले में, बोटिंग में, राइडिंग में जो है वो स्पेंड करते हैं, रेस्टोरेंट्स में। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये लाहौर जू है, यहाँ पे इसकी जो नेम है वो लिखा गया, उसके बाद यहाँ पे जो एनिमल्स हैं जो कि कैप्टिविटी में रखे जाते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें जो एनुअल विजिटर्स आते हैं हमारे पास 3 मिलियन के राउंड अबाउट होते हैं, और इसमें जो स्पीशीज हैं हमारे पास 140 के करीब, और एनिमल्स की जो हमारे पास है मोस्टली तौर पे वो 114 है। ठीक है, 1400 के करीब आपके पास है ये, ना 1872 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये आपके पास लार्जेस्ट जू है जो कि साउथ एशिया में पाया जाता है। फर्स्ट पे आपके पास जो है वो लाहौर आता है, फोर्थ पे आपके पास भावलपुर आता है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि सेकेंड पे और थर्ड पे हमारे पास कौन से वाला जू पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 1380 जो है आपके पास एनिमल्स की कलेक्शन है, और उसमें से हम मोस्टली तौर पर ये देखते हैं कि हमारे पास जो एनिमल के हाउसेज हैं मोस्टली तौर पर, उसमें हमारे पास एलिफेंट हाउसेज हैं और जराफा हाउसेज हैं और टाइगर हाउसेज हैं। ठीक है, इन हाउसेज में आपके पास जस्ट जो है वो जराफा की, टाइगर की और एलिफेंट की डाइवर्सिटी मौजूद होगी, और इसके अलावा ये हमारे पास मोस्टली तौर पर लाहौर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ये उसके अंडर है, और इसको जो है वो सबसे पहले जो डोनेटेड प्रोवाइड किया था वो लाल मुंड्रा रैम ने किया था, और ये 1872 में प्रोवाइड किया था। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसमें ये भी देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये इंटरेस्ट के लिए इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि यहाँ पे कंजर्वेशन भी की जा सके, कंजर्वेशन के साथ साथ इसमें एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा सके, और एजुकेशन और रिसर्च पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकें प्लांट्स को और एनिमल्स को। ठीक है, उनकी आपने स्टडी करनी है, उनको आप रिसर्च लेवल पे लेके आते हैं तो उनकी स्टडी के लिए जो है वो आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपने ये देखना है कि 2010 में जो हमारे पास मोस्टली तौर पे 1280 जो है वो ट्रीज की स्पीशीज थी, जिनमें से 1280 टोटल थी, जिसमें से 71 जो आपके पास ट्रीज की थी, और जो है वो 1380 जो है वो आपके पास स्पीशीज हैं वो टोटली तौर पर मैमल्स की हैं, जिसमें 1996 जो है वो आपके पास बर्ड्स की 82 जो स्पीशीज, और इसके अलावा रेप्टाइल्स की आपके पास जो है वो 49 और मैमल्स की 336। ठीक है, ये आप ओवरऑल जो है वो इसकी टोटल किया गया है, तो आपने इनकी ये जो नंबरिंग है, इनका जो ईयर है, और इसमें जो पाए जाने वाली आपके पास फ्लोरा और फाना है वो आप लोगों ने जो है वो मिक्स नहीं करना, ये आप लोगों की मेन चीज़ है और इसी पे ही आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे। नेक्स्ट इसमें आपके पास है यूरोपियन रैबिट्स पाए जाते हैं, ठीक है, मैमल्स में, और आपके पास पार्कोपाइंस पाए जाते हैं, और इसके अलावा टोर्टोइज़ेस होते हैं। ठीक है, बर्ड्स की जब आप बात करते हैं तो आपके पास पैरट्स है, फाउल्स, डव्स, पिजन्स एंड अदर बर्ड्स आ जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप मोस्टली तौर पे मैमल्स में आपके पास जो है वो ब्लैक बेयर भी है, एशियन ब्लैक बेयर्स, बंगाल टाइगर्स हैं, इसके अलावा लायंस मौजूद हैं। और एलिफेंट हाउसेस में मोस्टली तौर पे आपके पास जो है ये 1972 में लाहौर जू में ही कंस्ट्रक्ट किया गया था, और इसमें आपके पास तकरीबन जो है वो इतनी आप लोगों की 5 लाख रुपीज़ की जो है वो लागत आई थी। इसमें आपके पास 3 रूम्स हैं और 3 आपके पास इसमें मॉट्स आ जाती हैं। और यहाँ पे मोस्टली तौर पे जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज रखी गई हैं, जो कि जस्ट एंडेमिक थी अफ्रीका तक, जिसमें हमारे पास है फीमेल हिपो है जो कि रानी के नाम से भी जानी जाती है, इसके अलावा वाइट राइनोसिरस है, और फीमेल अमेरिकन बश एलिफेंट है जिसको सुजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले जो है वो सुजी को परचेज किया गया था 1972 में, और 100 एनिवर्सरी के तौर पे जो है ये इसको परचेज किया गया था। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जराफा हाउसेस की, तो जराफा हाउसेज जो है ये मोस्टली तौर पे हमारे पास डिफरेंट नंबर्स जो हमारे पास जैबराज के हैं वो प्लेस किए जाते हैं, और जैबराज यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कैमल्स हैं और जराफा है उनका पेयर्स हैं, जिनको कि इन पेयर को जो है वो ट्विंकल सनी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमारे पास आप बैक्ट्राइन कैमल्स हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, जिनको कि हमारे पास है ईमा और गुआंको के नाम से दोनों को जाना जाता है। ठीक है, 2 हमारे पास ब्रैक्टन कैमल्स हैं जो कि ईमा और गुआंको है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 3 स्पीशीज हैं जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, जिसको कि आप रेटीज का भी नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास ईमो ऑस्ट्रिच और हमारे पास है कुसोवरे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट जिराफा है जो कि डाइड हुआ था 13 अप्रैल 2015 को। ठीक है, ये जो हमारे पास 2 जराफा थे और जिनका पेयर था, इनमें से जो जब इनकी ब्रीडिंग नहीं की गई, जाहिर है वो कम्प्लीटली तौर पे हमारे पास डिस्ट्रॉय हो गया, हमारे पे 2015 में जो है वो ख़त्म हो गए। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है आपको? इसके अलावा हमारे पास जहाँ पे आपको समझ ना आए, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो, तो वो आपने साथ साथ पूछ लेना। डेयर हाउस जो है वो हमारे पास मोस्टली तौर पे यहाँ पे मैमल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास नीलगिरी है जिसको आपको ब्लू बिल के नाम से जाना जाता है, एक्सेस डेयर है, इसके अलावा चिनकारा है आपके पास, फॉलो डेयर है, रेड डेयर है, इसके अलावा आपके पास सीका डेयर, और इसमें आप नियर थ्रेटन स्पीशीज भी देखते हैं, जिसमें आपके पास ब्लैक बक है जो कि भावलपुर में है जस्ट, आप उसके अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलते। ठीक है, इसके अलावा मैफ्लॉन है, और इसके अलावा आपके पास जो थ्रेटन स्पीशीज हो गई है उसमें आपके पास हॉक डेयर है, सैम्बर और रियाल है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मंकी हाउस। मंकी हाउस में मोस्टली तौर पे जो आपके पास चिंपैंजी हैं वो पाए जाते हैं, और ये इंट्रोड्यूस किए गए थे 1997 में, और इसके अलावा 2010 में जो आपके पास 3 जो चिंपैंजी हैं जस्ट वो रह गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास अदर जो एनिमल्स हैं जो कि सेक्शन में पाए जाते हैं, उसमें हमारे पास रिसेसिव मंकीज हैं, इसके अलावा इंडियन वॉल्स हैं और स्वैम्स कैट है, हाउस डियर है, और इसके अलावा हम क्रोकोडाइल पॉन्ड्स की बात करते हैं, तो क्रोकोडाइल पॉन्ड्स में हमारे पास एक पॉपुलर जो है वो साइट होती है जो कि क्रोकोडाइल्स के लिए जो है वो फेमस सिटी है। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे पाए जाने वाले जो एम्फीबियंस होते हैं वहाँ इन्हीं पॉन्ड्स में जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा एग्जॉटिक फ्लोरा, एग्जॉटिक स्पीशीज कौन सी होती हैं हमारे पास, अभी आपने मुझे बताना है कि हमारे पास एग्जॉटिक स्पीशीज कौन सी होती हैं जहाँ पे हम एग्जॉटिक फ्लोरा के बात कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जॉटिक फ्लोरा में हमारे पास जो है वो 1280 में से जो है वो 71 स्पीशीज हैं हमारे पास ट्रीज की, और जो कि हमारे पास जो है एजुकेशन है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो मोस्टली तौर पे फ्लोरा एग्जॉटिक स्पीशी में से इंट्रोड्यूस करता है वो हमारे पास एलिस्टोनिया सिक्लोरोसिस और बॉम्बेस मेलाब्रिकम और कैल्स्ट्रोमन एंड सिट्रिनस डेलबर्जिया सीसियो और डिलोनिक्स रिगा, और इसके अलावा हमारे पास फिकस बेन हेलिनस और फिकस रेलिगोसिया। बच्चे सो रहे हैं आप लोग? आई थिंक मुझे लगता है आप सो रहे हैं सारे, अगर सो रहे हैं तो जाग जाएं। अच्छा, ये डिफरेंट हमारे पास ये जो आप लोगों को इस तरफ नजर आते हैं वो आपके पास साइंटिफिक नेम्स हैं, और ये जो आपके पास दूसरी तरफ हैं ये इनके जो है ये कॉमनली नेम जो जाने जाते हैं। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि ये नेटिव किस किस एरिया के थे, कि कौन से हैबिटेट थे जहाँ पे ये प्रेजेंट होते थे, और इसके बाद हमने इसको कहाँ से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। एग्जॉटिक स्पीशीज हमारे पास वो होती हैं जो कि हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं।
ठीक है, क्लास सो रहे हैं बच्चे, सो रहे हैं आप लोग, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा आप लोगों का क्या? ये हमारे पास जो लाहौर जू में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप लोग जाग रहे हैं तो फिर मेरी बात का रिस्पांस क्यों नहीं कर रहे? मैंने आप लोगों से पूछा था कि हमारे पास जो एग्जॉटिक स्पीशीज होती हैं वो कौन सी होती हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये बर्ड्स की, हमारे पास जो है ये बताई गई है कि कितनी हमारे पास स्पीशीज हैं। अच्छा, इसमें से आप जो है वो जो आप लोगों को इजी लगे आप उसमें से जो है वो 5-6 स्पीशीज जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे वाइल्ड टर्की हो गया, इसके अलावा कॉमन पेजेंट हो गया, या मेलर्ड हो गया, या कॉकटेल हो गया, तो इसमें से आप जो है वो 5-10 स्पीशीज जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि जो आप लोगों से इजीली जो है वो याद हो जाए। जाग जाएं, अभी तक भी मुझे किसी ने नहीं बताया, इतनी देर में तो आप लोग गूगल करके भी बता देते कि एग्जॉटिक स्पीशीज कौन सी होती हैं। देखिए, अब ये आपके पास जो है ये मैमल्स हैं जो कि डिफरेंट ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारे पास आर्टियोडेक्टाइल हैं, प्राइमेट्स हैं, कार्निवोरस हैं, मार्सुपियल्स हैं, स्क्यूमेटा है, और रोडेंशिया से हैं, इसके अलावा प्रोबोसीडिया से हैं, टेस्टोडिनाइन से, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट आ जाती हैं, जिसमें आपके पास रेप्टाइल्स भी हैं, इसके अलावा आपके पास जो है वो एम्फीबियंस भी हैं। जी, जो नॉन नेटिव होती हैं, जो कि उस हैबिटेट में रहती नहीं हैं, उनको हम जो है वो एग्जॉटिक स्पीशीज का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें आपने जो है वो डिफरेंट इनके नेम्स मैमल्स के याद करना है, जिसमें आपके पास ब्लैक बक है, चिंकारा है, चित्राल है, इसके अलावा हॉगडेर है, और आल है। ये आप लास्ट में पहले पढ़ के आ गए हैं, तो इसलिए ये आपको ये ईजी हो जाएंगे। और जब आप कार्निवोरस की बात करें तो आपके पास एशियन ब्लैक बियर है, और प्राइमेट्स की अगर आप बात करें तो आपके पास चिंपांजी है, ठीक है। और जब आप रोडेंशिया की बात करें तो आपके पास रेप्टाइल्स और क्रोकोडिलिया है, और सिक्यूमेटा की अगर आप बात करें तो आपके पास इंडियन कोबरा है, ठीक है, डायडम जो स्नैक है, इसके अलावा कॉमन क्रीट है, और सेंट्रल एशियन कोबरा है। इसमें से मैंने आपको जस्ट इजी इजी हैं, ताकि इसमें से आपने जो मैमल्स और एवीज आपके पास हैं, बर्ड्स हैं, आपने उनके 10 जो नेम्स हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है जी। जो फॉरेनली इंट्रोड्यूस की जाती हैं, और इसके अलावा जो नॉन इंडिजिनस और नॉन नेटिव होते हैं, उनको हम एग्जॉटिक स्पीशीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लांडी कोरंगी जू, जो कि कराची में पाया जाता है। अच्छा, अब आप लोग क्लास में सेंड करने लगे हैं असाइनमेंट्स, और ये नहीं है कि क्लास का जो लेक्चर हो रहा है पहले उसको सुन लें। और जब से आपकी क्लास स्टार्ट हुई है, मैंने आपकी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि क्लास के बाद आप लोग शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों की क्लास चल रही है, और बजाय क्लास लेने के वहाँ पे आप लोग मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, उसको सेंड कर रहे हैं, कभी एक स्टूडेंट कर रहा है, कभी दूसरा स्टूडेंट कर रहा है। और नेक्स्ट ये हमारे पास, इसको जोलॉजिकली गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये हमारे पास जो कराची डिस्ट्रिक्ट है, ये वहाँ पे मौजूद है, जो कि हमारे पास सिंध प्रोविंस में आता है। और इसके अलावा हम इसमें ये देखते हैं कि ये तकरीबन हमारे पास जो सिटी डिस्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट का, ये उसको उसके अंडर जो है ये ऑपरेट किया जाता है, और उसकी गवर्नमेंट के अंडर ये वर्क करता है। इसके अलावा जो इसकी मैनेजमेंट है कराची जू की, वो 2 पेयर्स में जो है वो डिवाइड की जाती है, जिसमें एक तरफ जो है हमारे पास ज़ेब्रा हैं, ठीक है, और इसमें 1 जो है वो मेल है और 2 फीमेल्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास 1 पेयर जो है वो अरेबियन ऑर्निक्स है, जिसमें, और इसके साथ साथ हमारे पास 2 पेयर जो हैं वो ऑस्ट्रिचेज के हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आपके पास मोस्टली तौर पे यहाँ पे इक्वेरियम प्लांट्स भी किए गए हैं, ताकि वहाँ पे आप जो है वो फिशेस की डाइवर्सिटी है, इन इनवर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी है, उसको भी इंक्रीज कर सकें। और इसके साथ साथ ये जो जून 2012 में जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके अलावा ये जो है हमारे पास मोस्टली तौर पे ये यहाँ पे जो एक्वेरियम इस्टेब्लिश किया गया है हमारे पास इस जू में, वो हमारे पास लार्जेस्ट एक्वेरियम है पाकिस्तान में, और अब तक की डेट के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ बताई गई हैं। इसमें हमारे पास 1878 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस। और इसके अलावा यहाँ पे 880 जो है नंबर्स हैं एनिमल्स के, और 80 के करीब जो है वो स्पीशीज हैं। इसके अलावा 0.1 मिलियन जो है वो विजिटर्स हैं, ये 2001 के अकॉर्डिंग।
और इसके अलावा हम इसमें ये बात करते हैं, और कराची जू को जो है वो मोस्टली तौर पे महात्मा गांधी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे पास जो हमारी इंडिपेंडेंस थी हमारी 1947 में हुई है, ये उससे पहले जो इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी वो अंडर जो है वो इंडिया ब्रिटिश रूल्स के अंडर थी, और जिसकी वजह से जो है इसको महात्मा गांधी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा 1861 में जो है ये गवर्नमेंट के अंडर आया, और 1878 में जो है इसकी जो है वो पब्लिकली जो है वो इसको अनाउंस किया गया, ताकि यहाँ पे लोग जो है वो आएँ और इसकी जो टूरिज्म है उससे फ़ायदा ले सकें। ठीक है, इसके अलावा हम मोस्टली तौर पे यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पे 240 ही, आप लोगों को इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें यहाँ पे जो हाउसेज हैं जो कि एरियाज हैं मोस्टली तौर पर जो कि अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं जो कि टूरिज्म आते हैं, उसमें आपके पास एलिफेंट हाउस है जो कि फेमस एग्जीबिशन है इस जू में, और 65 ईयर ओल्ड एशियन जो है ये एलिफेंट है जिसको कि अनारकली का नेम दिया गया है, और इसकी जो डेथ हुई थी वो 19 जुलाई 2006 में हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये इसका जो है ये कॉमनली तौर पे जो हमारा फ्लोरा और फाना है वो यहाँ पे जो एक बेसिक बात होती है आप उसको दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये सेम इसमें जो है वो एलिफेंट की वही बात है। इसके अलावा हमारे पास 2 फीमेल अफ्रीकन जो बश एलिमेंट्स हैं जो कि इस जू में जो है वो अराइज हुई थी, वो हमारे पास है 6 मई 2010 को। ठीक है, जो हमारे पास एलिफेंट की पहले स्पीशीज थी वो डेड हो गई है, उसके बाद हमने उस पर न्यू इंट्रोड्यूस करवानी है, उसको कैप्टिव रखना है, उसकी ब्रीडिंग करवानी है। इसके अलावा ये हमारे पास जो मोस्टली तौर पे फीमेल्स हैं ये बॉर्न हुई थी तंजानिया में 2007 में, और इसके अलावा इसको जो है वो नेम दिया गया था नूरजहान एंड मधुबाला के नाम से। ठीक है, ये पहले जो है ये इन स्पीशीज को इस तरह से नेम दिया जाते थे, इवन कि अब भी जो है वो स्पीशीज़ को विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री जो है वो स्पीशीज़ को नेम दिए जाते हैं, जिसमें हमारे पास एनिमल्स के भी नेम्स होते हैं और प्लांट्स के भी नेम्स होते हैं, हमारे पास बर्ड्स के भी नेम्स होते हैं, तो आप उनको डिफरेंट जो नेम्स होते हैं ह्यूमंस के नेम पे भी आप उनको पुकारते हैं। और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो हमारे पास 1992 में इसी कराची जू में ही इस्टेब्लिश किया गया, और यहाँ पे हमारे पास जो स्टफ्ड एनिमल्स हैं उनकी स्किन है वो रखे गए, इसके अलावा उनके हॉर्न्स उनके फैदर्स उनको प्लेस किया गया, और ये म्यूजियम में बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि जो न्यू आने वाली जनरेशन हैं वो उसको देख सके, इससे जो है वो लर्न कर सके जो जो के पास टाइम में ये चीज़ें जो है मौजूद थी। और रेप्टाइल हाउसेस में तकरीबन आपके पास जो है वो 13 स्पीशीज स्नेक की और लिजर्ट्स की हैं, और इसके अलावा जो न्यू बोर्न की हैचलिंग है हमारे पास जिसमें टेस्टोडाइन ऑर्डर्स और क्रोकोडिलियंस हैं वो इसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जहाँ पे आपके पास इतनी एनिमल्स की डाइवर्सिटी है उसके साथ साथ आपके पास जो है ये वेटरनरी हॉस्पिटल भी है जो कि जो एनिमल्स हैं जो कि अगर किसी को डिजीज हो जाती है या वो बीमार हो जाते हैं तो उनको क्योर करने के लिए ये वेटरनरी हॉस्पिटल जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये 1998 में इस्टेब्लिश किया गया था, और ये यहाँ पे तमाम जो मॉडर्न डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर भी अवेलेबल है और एक्सरे है, इसके अलावा सोनोग्राम फैसिलिटीज़ हैं, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कलर की जो बेज हैं वो भी मौजूद हैं, लेबॉर्ट्री और इंक्यूबेशन रूम्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, ताकि कोई भी एनिमल ऐसा ना रहे जिसको जो फैसिलिटी रिक्वायर है वो उसको अवेल ना कर सके। और मुगल गार्डन आपको पता है कि जू जो हमारे पास मोस्टली तौर पर जू होता है वो ज़्यादा एरिया पर फैला हुआ होता है, और उसी के अंडर ही हमारे पास बहुत सी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं, जैसे आप इसमें आपके पास आप अगर कभी गए हों आपको कभी इत्तफाक हुआ हो तो मोस्टली तौर पे वहाँ पे आपके पास रिफ्रेशमेंट्स होती हैं, आपके पास डिफरेंट हाउसेस बने होते हैं, फिर अगर आपने बर्ड्स की तरफ मूव करना है तो आप इस तरफ को टर्न लें, अगर आपने एनिमल्स की तरफ मूव करना है मैमल्स की तरफ मूव करना है तो आप इस तरफ को टर्न लें, तो आपको डिफरेंटली बताया जाता है कि अगर आपने जो है ये एलिफेंट को देखना है तो आप इस तरफ को चले जाएँ, अगर आपने जराफा को देखना है तो आपको इस तरफ चले जाएं, तो इस तरह से डिफरेंट हाउसेस में जो आगे इसको कन्वर्ट किया जाता है डिवाइड किया जाता है ताकि आने वाले जो लोग हैं वो कम्प्लीटली तौर पर उस पर फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास वाइल्ड लाइन्स हैं जो कि 2012 में जो है इनको परचेज किया गया था, और इसके बाद इनको जो है वो जू में जो है वो रखा गया था, और यहाँ पर जो इनकी ब्रीडिंग परफॉर्म की गई थी। इसके अलावा जो हमारे पास कराची में जो म्यूनसिपल एक्वेरियम है जो कि 1953 में जो इस्टेब्लिश किया गया था, और ये हमारे पास कराची जू है उसी के अंदर ही लोकेट है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 28 टैंक्स हैं
जिसमें ये जो स्पीशीज हमारे पास फिशेज की रखी जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा मोस्टली तौर पर यहाँ पे 3 पब्लिक जो है वो इक्वेरिया मौजूद हैं कराची में, और इसमें से इस एक को छोड़ के हमारे पास ये जो कराची म्यूनसिपल इक्वेरिया में से एक को छोड़ के बाकी हमारे पास अदर जो है तो उसमें हमारे पास क्लिफ्टन फिश एक्वेरियम है और लांडी कोरंगी एक्वेरियम है, ठीक है, जो कि हमारे पास लांडी कोरंगी जू है वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 15 मार्च 2017 में जो है 2 बेयर्स जो है वो जू में वेलकम की गई थी, और उसको जो है हमारे पास एक हमारे पास मेल है जो कि एशियन ब्लैक बेयर है और फीमेल हमारे पास सीरियन ब्राउन बेयर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई डाइवर्सिटी कम हो रही होती है या ख़त्म होने के करीब होती है या ख़त्म हो जाती है तो हम फॉरेन कंट्री से या फिर हमारे पास जो अदर जू होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके आप उन्हीं स्पीशीज़ को जो है वो अपनी जो जू होता है उसमें लेके आते हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैप्टिव कर सकें, उनकी प्रोटेक्शन कर सकें, उनकी कंजर्वेशन कर सकें, कंजर्वेशन के बाद उनकी ब्रीडिंग करवा सकें, ब्रीडिंग के बाद आप उनकी डाइवर्सिटी इंक्रीज़ कर सकें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जो है वो किसी से लेनी ना पड़े, आप किसी अदर जू को या अदर जो कंट्री होता है उनको देने के काबिल हों। जब आपके पास डाइवर्सिटी होगी आप उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो इस तरह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूट हमारे पास अवेलेबल होता है, जो हमारे पास जू या नेशनल पार्क होते हैं, उनकी इकोनॉमी भी इंक्रीज होती है। ये इसमें हमारे पास मैमल्स की लिस्ट है, इसमें हमारे पास रिबियन ऑर्निक्स है, एशियाटिक ब्लैक बियर है, इसके अलावा ब्लैक बक है, जराफे हैं, नीली गाय है, लॉइन है, जैकल है और पार्कोपाइन है, रेड डियर है। तो इसमें से आपने जो है वो 10 मैमल्स के नेम कर लेने हैं, और आप लोगों की अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चनिंग होगी तो इस तरह से होगी कि आपने फॉर एग्जांपल जो हमारे पास लांडी कोरंगी में पाए जाने वाले जो मैमल्स हैं आपने उनके 5 के 10 के नेम लिखने हैं, ठीक है। तो वो आप तभी लिख सकेंगे जब आप लोगों को ये आते होंगे, और अगर आप इसमें से फॉर एग्जाम्पल आपने 8 सही लिखे हैं आपके 2 गलत हैं तो आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होंगे, या आप लोगों के 10 में से 5 सही हैं तो आपके 5 जो है वो रॉन्ग है वो आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो कोशिश यही करनी है कि आपने सेपरेटली करना है, इनको मिक्स नहीं करना, ठीक है। ये हमारे पास एवीज हैं जिसमें हमारे पास कॉमन प्रेजेंट है, क्रोइन है, इसके अलावा ग्रीन पी फाउल है और इंडियन पी फाउल है, म्यूट स्वैन है, और इसके अलावा पैराकीट है, पिजन है। और रेप्टाइल्स में हमारे पास जो है वो गिरियाल है, इंडियन कोबरा है, इंडियन सैंड बोआ है, और इसके अलावा क्रोकोडाइल है, रेड स्नेक है, इसके अलावा ट्रोटाइज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये कराची सफारी पार्क है, आई थिंक ये आपके पास लास्ट है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास मोस्टली तौर पर ये 1970 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, इसको जो है वो लेफ्टिनेंट जो जनरल अतीकुर रहमान उसने इस्टेब्लिश किया था, इसकी इनाग्रेशन की थी, और ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिपेंडेंट तौर पे जो रन किया गया था कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग। और इस तरह से हम इसमें ये भी देखते हैं कि ये मोस्टली तौर पे जो कराची डिस्ट्रिक्ट है ये वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था और इसको फैमिली पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम मोस्टली तौर पर यहाँ पर हमारे पास जो एलिफेंट की क्लेविंग है वो 65,000 स्क्वायर तक जो है वो फैली हुई है, जिसमें उनकी जो है वो बाथिंग स्पेस भी अवेलेबल है, उनके रेस्टिंग के लिए एरिया भी मौजूद है, इसके अलावा जो विजिटर्स आते हैं उनकी इंजॉयमेंट के लिए भी एरिया मौजूद है और एलिफेंट की इंजॉयमेंट के लिए एरिया भी मौजूद है। उसके अलावा इसी हमारे पास जू में जो है वो स्वैन लेक है जो कि इसी सफारी पार्क में मौजूद है, और यह जो बेस्ट हमारे पास जो सीटिंग एरिया है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा चेयर लिफ्ट मौजूद है जो कि 10 मीटर जो लॉन्ग डिस्टेंस में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर US डॉलर में जो इसकी कॉस्ट है वो हमारे पास 2 मिलियन के अराउंड अबाउट जो है वो सेट की गई है, और इसके अलावा इसको कराची सिटी में जो है वो नाजिम सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने जो है वो इसको इनाग्रेट किया था 8 मार्च 2006 में चेयर लिफ्ट को। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एवारी है, और एवारी जो है वो मोस्टली तौर पर हमारे पास यहाँ पर बिगेस्ट नंबर में जो है वो पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर के। और नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास बोटिंग अवेलेबल है, और बोटिंग में मोस्टली तौर पे यहाँ पे आपके पास पैडल भी होती है, इसके अलावा आपके पास पैडल के अलावा आपके पास जो इलेक्ट्रिकली वर्क कर रही होती है आपके पास वो भी अवेलेबल होती है। कैंपिंग साइट्स अवेलेबल हैं जो कि 2012 में इस्टेब्लिश की गई थी, उससे पहले जो है वो यहाँ पे कैंपिंग साइट्स अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पे म्यूजियम भी अवेलेबल है ताकि जो एक्सटिंक्शन हैं या जो एक्सटिंक्ट मटीरियल होते हैं हमारे पास बर्ड्स के या अदर एनिमल्स के वो यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं ताकि जो न्यू आने वाले नेशनली और इंटरनेशनली जो पीपल्स होते हैं वो इसको कम्प्लीटली तौर पर देख सकें। और यहाँ पे ये जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर जो अवेलेबल हैं
वो मोस्टली तौर पे पाकिस्तान में ही उनके डिफरेंट नेम्स है, जिसमें हमारे पास छांगा मांगा है, गठवाला वाइल्ड लाइफ पार्क है, मरली जो मरी वाइल्ड लाइफ पार्क के नाम से ल्यू बियर विहारी है, पीरोवाल है, इसके अलावा डीजी खां है, फैसलाबाद है, पुवारी ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है, ये डिफरेंट ब्रीडिंग सेंटर्स हैं जो कि हमारे पास पास में जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं ताकि यहाँ पे इनकी ब्रीडिंग की जा सके, और ब्रीडिंग के पास साथ जो हमारे पास जो स्पीशीज़ की नंबरिंग है वो इंक्रीज की जा सके ताकि आपको कहीं से भी और जो है वो परचेज ना करनी पड़े, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट जो है ये छांगा मांगा जिसमें हमारे पास ब्रीडिंग साइट है वो आप लोगों की बाद में होगी, आई थिंक आप लोगों की 10:40 पे जो है वो नेक्स्ट क्लास है, ऐसे ही है आप लोगों की नेक्स्ट क्लास जो है वो 10:40 पे है। सो गए बच्चे? फिर कहते हैं मैम नहीं हम नहीं सोए, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोगों की नेक्स्ट क्लास कितने बजे है बच्चे? अच्छा ये डिफरेंट आप लोगों के पास हैं ब्रीडिंग सेंटर्स, ठीक है, ये ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, जस्ट आपने इनके नेम्स याद करने हैं, और ये ब्रीडिंग सेंटर्स जो हैं वो मोस्टली तौर पे जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं ये उनकी कैप्टिविटी के लिए, कैप्टिव जो किए होते हैं उनकी ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, तो आपने जस्ट इनके नेम्स याद करने हैं, इनकी डिटेल रहने दें, जो नेशनल जू हैं वो आप लोगों ने कम्प्लीटली तौर पर याद करना है, उनका फ्लोरा और फाना, ओके, और नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो नेशनल पार्क्स हैं उनका फ्लोरा और फाना याद करना है, आपने उनकी एग्जीबिशन किस ईयर में जो है वो इस्टेब्लिश हुए थे, इसके अलावा वो किस डिस्ट्रिक्ट में किस प्रोवेंस में पाए जाते हैं, सेम इसी तरह से ये जो आपके पास डिफरेंट जू हैं वो आप लोगों ने उनके प्रोवेंसेस याद करने हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट का ईयर याद करना है, और इसके अलावा उसको कॉमनली क्या कहा जाता है, और वहाँ पे जो हमारे पास जू है उसमें आपके पास कौन कौन से जो है वो हाउसेज अवेलेबल है, वहाँ पे कौन कौन सी जो मेन स्पीशीज यहाँ पे जो आप लोगों की लिखी गई हैं वो स्पीशीज आपने मिक्स नहीं करनी, वो आप लोगों ने निकालनी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो डिफरेंट स्पीशीज हमने कहा कि उसको जो है वो नारकेली के नाम से जाना जाता है, या फिर हम इस पार्क को जो वो महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, और या फैमिली पार्क उसको कहते हैं, या फिर आपने नूर जहाँ कहा गया, या फिर एक और था मधुबाला, ठीक है, इनके ये डिफरेंट स्पीशीज के नेम है, तो वो आपने उसको एज इट इज याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी स्पीशी है जिसको मधुबाला के नेम से जाना जाता है, तो वो तब आप लिखने के काबिल होंगे जब आप उसको करेंगे, ठीक है। तो आपने जो है ये जितना भी डाटा है ये आपने इसको कम्प्लीटली तौर पर कर लेना है। चलें ठीक है, आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है, और अब आप तमाम स्टूडेंट्स अपने नेम और अपने एजी के साथ अपने अटेंडेंस मार्क कर लें, और बाकी स्टूडेंट जिनका लेक्चर मिस हो गया है या जिन्होंने लाइट की वजह से अटेंड नहीं किया, और कोशिश यही करनी है कि तमाम स्टूडेंट्स आपने इनको जो है मैसेज कन्वे कर देना है, ताकि ये जो लेक्चर्स हैं आज के दोनों नेशनल जू और नेशनल पार्क के आप लोगों के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इसको आप बाद में सुन लें, और दूसरा आप लोगों की जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसको राइट अप करना स्टार्ट करें, ठीक है। अपने नेम और अपने एजी के साथ अपनी अटेंडर जो है वो सिंगल मैसेज में मार्क कर लें। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। चलिए प्रैक्टिकल नोटबुक का मैं आपको ये कह रही थी कि आपने जो प्रैक्टिकली नोटबुक बनानी है, जो 100 रुपीज़ की कॉपी है वो आप लोगों ने मार्केट से परचेज़ करनी है, और जो आप लोगों का फर्स्ट प्रैक्टिकल है स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड एक्स सिचुएशन कंजर्वेशन टेक्निक्स, वो आपने 2 पेजेस का जो है वो समराइज़ करके लिखना है। इसके बाद आप लोगों का जो सेकेंड प्रैक्टिकल है जिसमें नेशनल पार्क और जू और बोटेनिकल गार्डन है, वो आप लोगों ने कंट्री के और इसके अलावा इंडिया के USA के और डिफरेंट जो वर्ल्ड में पाए जाने वाले मेन मेन हैं वो आप लोगों को जो कि इसमें बताए गए हैं
वो आप लोगों ने उनकी नेम और उनकी एस्टेब्लिशमेंट का ईयर और किस मुल्क में पाए जाते हैं, किस सिटी में पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, वो आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, जो आप लोगों का लाइन वाला पेज है। इसके अलावा जो आप लोगों का प्लेन पेज है वहाँ पे आप लोगों ने जो स्पीशीज हैं वो आप लोगों ने ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो मैमल में अगर देखा जाए तो आपके पास आइबेक्स है, ब्राउन बेयर है, चिनकारा है, वो आप लोग किसी एक स्पीशी लगा लें। इसके अलावा बर्ड में से जो है वो पैराकीट है या बजरी गैर है उनकी स्पीशी लगा लें। रेप्टाइल्स में से क्रोकोडाइल्स हैं और एम्फीबियंस में से या फिशेज में से कोई आपके पास उसी नेशनल पार्क से रिलेटेड या फिर आपके पास नेशनल जू से रिलेटेड कोई स्पीशी पाई जाती है तो वो आप लोगों ने साथ लिख लेनी है, ठीक है। उसकी आपने डायग्राम जो है वो गूगल से सर्च करके वो डायग्राम आपने एक पेज पे जो है वो तीन जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम आपने चार से पांच लगानी है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कलर्ड में लगाना है, आपने उसको ब्लैक एंड वाइट में लगाना है, ठीक है, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। और लेकिन कोशिश आपने यही करनी है कि आपने उस पर जो है वो ड्राइंग करेंगे तो आप लोगों का जो है वो टाइम वेस्ट होगा और आपसे एज एग्जैक्ट नहीं बनेगा। और उसकी जो है वो आप प्रिंटिंग लगा लें, आपने नेशनल पार्क का नेम है वो आप लोगों ने कम्प्लीट लिखना है और जितने नेशनल पार्क्स आप लोगों के एक्सप्लेन किए गए हैं, आप लोगों ने जितने नेशनल पार्क्स के नेम्स हैं वो आप लोगों ने डिटेल के साथ लिखने हैं, वो आप लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट भी बताए गए हैं, आपको प्रोवेंस भी बताए गए हैं और उनका ईयर भी बताया गया है, वो टेबल आपने एज इट इज़ बनाने हैं, ठीक है। वो आप लोगों का तीन पेजेस पे बन जाएगा। और इसके साथ साथ जो नेशनल पार्क्स की डिटेल्स है जिसमें आपके मैमल्स के, बर्ड्स के और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के, फिशेज़ की आप लोगों ने कैटेगरीज लिखनी है, वो आपने इन पांचों वर्टिब्रेट्स में से कोई एक जो स्पीशी है उसकी आपने डायग्राम जो है फोटो जो है वो आप लोगों ने लगानी है, ठीक है बच्चे। बिलाल समझ आ गई है, तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गई है बच्चे। और अपने प्रैक्टिकल नोटबुक जो है उसको बनाना स्टार्ट कर लें, फिर बाद में आप लोगों के लिए जब पेपर्स आप लोगों के लिए होंगे तो आप लोगों को तब प्रैक्टिकल नोटबुक बनाना मुश्किल होगी। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप लोगों के जब फाइनल्स हो गए जो आप लोगों का प्रैक्टिकल का पोर्शन होगा 20 मार्क्स का, वो आप लोगों का इन्हीं प्रैक्टिकल पोर्शन में से आएगा जो आप लोगों को 7 प्रैक्टिकल्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। बिलाल वजह समझ आ गई आपको, चलें ठीक है, ओके। नेक्स्ट जिन स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन है और आप लोगों के जो ग्रुप नंबर थर्ड और ग्रुप नंबर फोर्थ, आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो उसको रेडी कर लें। और इसमें से दोनों ग्रुप्स ने आप लोगों ने जो हार्मोनल सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आप दोनों ने रिप्रेजेंट करना है, दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स ने, ठीक है। आप लोगों ने जो आप लोगों का हार्मोनल सिस्टम है वो आप लोगों ने प्रेजेंट करना है ग्रुप नंबर थ्री और ग्रुप नंबर फोर ने। उसको आपने सिंपली नहीं करना, आपने उसको ब्रीफली करना है। और ब्रीफली के साथ साथ आपने जो फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में जो है वो 5 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने उसको पार्शली डिवीजन करनी है कि फॉर एग्जांपल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इतने स्टूडेंट्स ने करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतने स्टूडेंट्स ने करना है, ब्रेन का पोर्शन इतने स्टूडेंट्स ने करना है, स्पाइनल का इसने करना है, तो आपने इसको इस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स थर्ड और फोर्थ के यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपने जैनब बच्चे उनको मैसेज जो है वो कन्वे करना है, ठीक है बच्चे। थर्ड और फोर्थ स्टूडेंट्स को आपने टॉपिक भी बताना है और उसके साथ साथ आपने ये डिवीजन भी बता देनी है कि किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट करना है। Zainab, are you here? ओके बच्चे, आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लासेस को ज्वाइन करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।